ईद व कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। बकरीद व कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने में जुटा पुलिस प्रशासन। ईद उल अजहा व कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए एसडीएम मधुमिता व सीओ वंदना शर्मा ने नरसेना थाने में शांति समिति की बैठक ली। ग्राम प्रधान व धार्मिक गुरुओं से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। आगामी त्योहार बकरीद व कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। गुरुवार को नरसेना थाने में शांति समिति की बैठक में एसडीएम मधुमिता ने ग्राम प्रधानों से सरकारी कांवड़ शिविर लगाने में सहयोग मांगा। लोगों ने एसडीएम से कांवड़ मार्गों पर हो रहे जलभराव व झाड़ियों को कटवाने की मांग की। सीओ वंदना शर्मा ने बकरीद को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से कहा कि खुले में कुर्बानी न करें, प्रत्येक धार्मिक स्थल में सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें, शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाने की अपील की। सीओ ने कांवड़ मार्गों की जानकारी ली तथा थाना प्रभारी चरण सिंह को कांवड़ मार्ग व व्यवस्थाओं को सुधारने के दिशा निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। इस दौरान मौलाना मोहम्मद खालिद, जितेंद्र राणा, चंद्रपाल सिंह, वकील अहमद, सोनू लोधी आदि उपस्थित रहे। जी, क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं आप? पूछा गांव ब्लॉक में। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है जी। ग्राम प्रधान नरेंद्रपुर में और वर्तमान से मैं ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संगठन हूं। आज एसडीएम महोदय और सीओ महोदय द्वारा थाना नरसेना में मीटिंग ली गई है शांति समिति की। क्या निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार की मीटिंग है? देखिए, यहाँ सभी क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं जी। और आगामी आने वाले, जैसे अभी ईद का पर्व है, कांवड़ मेला है जी, और अपने धार्मिक पर्व है, उनको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है और सबसे अपील की गई है कि इन त्योहारों को पूर्ण रूप से सभी लोग मिलकर और जातिवाद धर्मवाद को भुलाकर पूर्ण सौहार्दपूर्वक इनको मनाएं, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। नाम मौलाना मोहम्मद खालिद है। अच्छा, किस मस्जिद में आप मौलाना हैं? जामा मस्जिद में इमाम। कौन से गांव में? दौलतपुर कला। दौलतपुर। अच्छा, सीओ मैडम और एसडीएम महोदय द्वारा थाना नरसेना मीटिंग ली गई है, किस प्रकार की बैठक है और क्या निर्देश दिए गए हैं आपको? इसमें ये निर्देश दिए गए हैं, कुर्बानी जो है चार दीवारी में होनी चाहिए जी, और नमाज भी चार दीवारी में होनी चाहिए, सड़क पर नहीं होनी चाहिए जी। तो इसमें जो है बिल्कुल एकता से काम करना है, खून वगैरह नहीं बहना चाहिए बाहर जी, सफाई सुथराई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो जो है आपको जो है सीओ मैडम ने ये ताजिया वगैरह का भी कोई दिशा निर्देश दिया निकालने के लिए? हाँ हाँ, इसमें भी कहा है कि भाई इसमें भी एहतियात से काम करा जाए, आपस में जो है मेल जोल रखा जाए, कोई आपस में जो है नफरत की बात नहीं होनी चाहिए जी, कोई ना इतफा की बात नहीं होनी चाहिए, कोई भड़काऊ बयान नहीं होना चाहिए। थाना नरसेना में एसडीएम महोदय द्वारा और आपके द्वारा मीटिंग रखी गई है, क्या उद्देश्य है मीटिंग का? देखिए, अभी आगामी जितने भी पर्व हैं, अभी हमारा ईद उल जुहा आ रहा है, उसके बाद फिर कांवड़ यात्रा है, फिर उसके बाद मुहर्रम है 9 तारीख को, और पूरा सावन रहेगा, उसमें सोमवार रहेंगे, फिर 15 अगस्त तक लगातार कोई ना कोई आगामी त्यौहार है, पर्व हैं जो दूसरे हर डिफरेंट समुदाय से जुड़े हुए हैं। इस संबंध में एक सुरक्षा समिति और पीस कमेटी की मीटिंग थाने पे की गई है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। अच्छा, यहाँ धार्मिक गुरुओं के साथ भी मीटिंग की गई है, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं धार्मिक गुरुओं? बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश हैं, जो भी हमें शासन की तरफ से प्राप्त हुए हैं वो बताए गए हैं। धर्मस्थलों पे अपील की गई है कि सभी लोग सीसीटीवी कैमरेज लगवा लें और जितने भी आगामी पर्व हैं उनको बहुत ही शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक उसको संपन्न कराने के लिए मदद करें। धन्यवाद।